आज हम आपको बताएंगे पेपर कुलिंग की इयररिंग्स, जिसके लिए हमें लगेगा 5 mm पेपर कुलिंग स्ट्रिप, 7 mm पेपर कुलिंग स्ट्रिप, फेविकॉल, पेपर कुलिंग निडल, पेपर कुलिंग टूल और ईयर कफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। 7 mm पेपर कुलिंग स्ट्रिप लेंगे और निडल लेंगे। निडल की हेल्प से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, फिर इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर एक राउंड इस तरह से, इस तरह राउंड करने के बाद एक बार और इस तरह से राउंड करेंगे। इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप को राउंड करते जाएंगे। अब हम इतना होने के बाद निडल से इसे निकाल लेंगे और इसे इस तरह से दबा करके फोल्ड कर देंगे। पूरी स्ट्रिप को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तरह से हमारा फूल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। अंदर की साइड पे भी हम कुछ लीव्स के वहां पर फेविकॉल लगाएंगे। इस तरह से हमारा फूल तैयार हो जाएगा। इस तरह के हम दो एक जैसे फ्लावर्स बनाएंगे। इस तरह से 5 पेपर कुलिंग स्ट्रिप लेंगे, एक ग्रीन कलर की। इस तरह मल्टी कलर के हम स्ट्रिप्स लेंगे। हम 7 से 8 कलर की स्ट्रिप्स ले लेंगे और सभी को एक दूसरे में ऐड कर लूँगा। कलरफुल 8 स्ट्रिप लेने के बाद हम सबको कॉर्नर से सारे स्ट्रिप्स को जॉइन कर लेंगे। जुड़ने के बाद हमारी स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम निडल की हेल्प से कॉर्नर से इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े टाइट हाथों से करेंगे, पूरी स्ट्रिप्स को हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे निडल के हाथ से। पूरी तरह से राउंड होने के बाद हमारा सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप लेंगे जो कि हाफ रहेगी। हाफ स्ट्रिप को हम एक राउंड वाले शेप से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे। हम इस स्ट्रिप को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अब हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तरह से राउंड बनने के बाद हम इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे।
लेंगे और हम इसे भी चिपका देंगे। ये चिपकाने के बाद हमारा एक फ्लावर लेंगे, फ्लावर को हम पीछे की साइड पर फेविकोल लगाएंगे, फ्लावर को भी हम इसी तरह से चिपका देंगे। अब हम इसे सूखने देंगे। चिपकाने के बाद हमारा इयररिंग कुछ इस तरह से देखेगा। अब हम एक कड़ी लेंगे, इससे हमारे टूल से इसे इस तरह ओपन कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे एयर कप डालेंगे और फिर ये एयरिंग डालेंगे। इस तरह से एयरिंग डालने के बाद हम इसे दोबारा इसे फिर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमारा इयरिंग तैयार हो जाएगा। इस तरह हम एक और इयरिंग तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों इयरिंग तैयार हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज।